सुपर हेल्दी और सुपर टेस्टी, बहुत ही कम तेल में बने ये गिल्ट फ्री कटलेट, और ऊपर से ये बने हैं तंदूर में। एक बार इन्हें आप बनाएंगे तो अपना हाथ और मुंह दोनों ही इन्हें खाने से नहीं रोक पाएंगे। दोस्तों, सर्दियों में मिलने वाली बहुत सी ऐसी सब्जियां होती हैं जिन्हें बच्चे खाना नहीं पसंद करते, बट जब आप उन्हें इन कटलेट की फॉर्म में खिलाएंगे तो मेरे को पूरा यकीन है कि वो खाने से इसे मना नहीं कर पाएंगे। ऊपर से ये बने हैं बहुत ही कम तेल में, साथ में आप मज़ा ले कोई सी भी चटनी का, चाहे वो इमली की हो या टमाटर की। यहाँ पर हमने गोभी ली है, फूल गोभी कसी हुई, एक गाजर, एक चुकंदर, दो प्याज बारीक कटी हुई, आधा कप ये मटर के दाने ले रही हूँ, आधा कप से थोड़ा ज़्यादा फ्रोज़न है ये, और साथ में मैं ले रही हूँ 1 इंच बारीक कटा हुआ अदरक, 3-4 हरी मिर्च और 6 छोटे साइज़ के उबले हुए आलू। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑयल ले लेती हूँ मैं, 5 से 6 चम्मच हमें ऑयल लेना है। बेसिकली हमें 1 टेबलस्पून ऑयल लेना है, क्योंकि सब्जियाँ में हमें हल्की सी ही शैलो फ्राई टाइप करनी है, कच्ची ना रहे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बारीक कटा हुआ अदरक और हरी मिर्च को इनको हल्का सा भून लेती हूँ, थोड़ा सा सुनहरा होने से थोड़ा पहले की स्टेज का, क्योंकि और भी सब्जियाँ हम डालेंगे ये उनके साथ भी भुन जाएगा। तो हल्का सा ये भुन गया है, उसके साथ मैं यहाँ पर डाल रही हूँ प्याज। प्याज को भी हमें पूरा नहीं पकाना है लाल होने तक, हमें सिर्फ इसको ट्रांसलूसेंट होने तक पकाना है, ताकि इसकी बाइट भी बाकी रहे, क्योंकि हमें जो कटलेट हम बनाने वाले हैं उसमें हमें इन सब्जियों की बाइट बहुत अच्छी लगने वाली है, बहुत हल्की सी बाइट होगी। और उसके साथ ही ये अब मैं डाल रही हूँ और सब्जियाँ, जिसमें कि सबसे पहले मैंने डाला है फूल गोभी, और इसके साथ ही एक एक करके सारी सब्जियाँ हम इसमें ऐड करते जाएंगे। सब्जी को डाल के लगातार हमें थोड़ा सा मिक्स भी करते जाना है, उससे क्या है कि हर सब्जी का कुक होने का अपना अलग टाइम होता है, तो उसको थोड़ा थोड़ा सा डालते जाए, थोड़ा थोड़ा घुमाते जाए, जिससे कि वो थोड़ा थोड़ा कुक होने लगे। इस तरह से हमारी सारी सब्जियां एक साथ कुक हो जाएंगी। तो इधर यहाँ पर मैंने गाजर और चुकंदर भी डाल दिया है, और इन्हें डालने के बाद एक बार फिर से मैं इन्हें मिक्स करूँगी। गाजर और चुकंदर को मिक्स करने के बाद इसको लगभग लगभग हमें 2 से 3 मिनट ही पकाना है, बहुत ज़्यादा देर हमें नहीं पकाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पकी हुई सब्जियाँ होंगी तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। हमें एकदम बाइट भी नहीं चाहिए हमें जो हम कटलेट बनाने जा रहे हैं, लेकिन एकदम हमें बहुत पकी हुई सॉफ्ट सब्जियाँ भी नहीं चाहिए। इधर हमारी फ्रोज़न मटर है, जिन्हें कि पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए वो भी मैं इसी में डालकर पका रही हूँ। हाँ, अगर आप कच्ची मटर ले तो उन्हें एक विसल लगा के पहले बॉईल कर ले, तब इसमें मिक्स करें। तो यहाँ पर फ्रोज़न मटर है, इन्हें डालकर मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है, और ये जो चुकंदर और हमारा ये पक रहा है गाजर, उसके साथ ही ये आराम से पक जाएंगी। जब आपको लगे कि सब्जियाँ पूरी पक चुकी हैं, तब ये उबले हुए आलू मैश करके इसमें डाल दीजिएगा, और इनको डालकर इसमें भी इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। बीच बीच में इनको थोड़ा सा क्रश करते जाइएगा, बट यहाँ पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आलू को बिल्कुल हमें प्योरी ही वैसा ही बनाना है, एकदम कसकर बिल्कुल श्रेड करके, हमें थोड़ा सा खड़ा आलू भी इसमें चलेगा। तो यहाँ पर इन्हें डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसी तरह से जैसे जैसे हम सब्जियां पकाते जा रहे हैं, उनके कुक होने के प्रोसेस के दौरान ही हम और इंग्रेडिएंट भी ऐड करते जाएंगे, जिससे कि वो भी कुक होते जाएंगे। तो यहाँ पर हम डाल रहे हैं हरा धनिया, ये ऑप्शनल है, बट ये टेस्ट और लुक अच्छा देता है हमारे जो कटलेट बनेंगे, तो इसलिए मुझे ये डालना ज़रूरी लगा, क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है। यहाँ पर इसे भी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और आप देखेंगे लगातार मैं सब सब्जियों को चलाते हुए मिक्स भी करती जा रही हूँ, चाहे जितनी इसमें और एक्स्ट्रा वेजिटेबल्स डाली। यहाँ पर मैं 1.5 नींबू का रस इसमें डाल रही हूँ, ये आप अपनी सब्जियों के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगर आप ज़्यादा सब्जियाँ ले रहे हैं तो नींबू का रस और ज़्यादा क्वांटिटी में भी पड़ सकता है। साथ में यहाँ पर मैंने डाल दी है 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और 1 चम्मच सौंफ धनिया पाउडर, और नमक आप अपने स्वाद के अनुसार यहाँ पर ऐड करें, क्योंकि कटलेट में जो है हमारा एक्स्ट्रा किसी भी वेजीज में नमक नहीं है, तो यहाँ पर नमक आप अच्छे से डाल सकते हैं। साथ में यहाँ पर मैंने डाल दिया है भुना जीरा पाउडर 1 चम्मच। अब हमारे इसके सारे मसाले जो बेसिकली डलने हैं वो डल चुके हैं, तो इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर दें और नीचे गैस बंद कर दें। इस समय हमारी गैस बंद रहनी चाहिए, क्योंकि हमने नमक भी ऐड कर दिया है, और हाथों हाथ हमने इसे एक बाउल में शिफ्ट कर लिया। और थोड़ी देर ठंडा होने के बाद मैं इसमें 1 कप चावल का आटा धीरे धीरे करके मिक्स कर रही हूँ। पूरा ठंडा करने की इसे ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है, बट हाँ, अच्छा रहेगा आप इसे पूरा ठंडा कर लें। तो मैंने इसे लगभग आधा ठंडा करके ही इसमें चावल का आटा मिक्स करना शुरू कर दिया है, क्योंकि जैसे जैसे हम आटा भी मिक्स करते जाएंगे तो ये उससे भी हमारा ठंडा होता जाएगा।
इस तरह से आप देखेंगे कि आपको पता चल जाएगा कितना हमें चावल का आटा मिक्स करना है। तो बेसिकली मेरा पूरा कप इसमें चावल का आटा लग चुका है। चावल के आटे का अंदाजा आप उस तरह से ले सकते हैं कि आपका जो आपका ही बैटर जो आप बना रहे हैं, जो आटा आपका लगेगा, ये आपका गीला नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने एक कप पूरा चावल का आटा इसमें डाल दिया है और वो आराम से इसमें इजीली खप गया है। उसके बाद इसको एक दो मिनट तक हमें हल्के हाथ से मलते हुए इसे इस तरह का कर लेना है कि हाथ पे हमारे चिपकना बंद हो जाए। इस तरह का आप देखेंगे थोड़ा चिकना सा डो तैयार हो गया है। जो ऑयल इसके छोंक में डाला था, मैंने उससे अलग इसमें कोई ऑयल नहीं डाला, फिर भी आप देखेंगे थोड़ा सा ही मतने के कारण ये अच्छा चिकना हो गया है। अब ये हमारा बिल्कुल रेडी है। तो हाथों को चिकना करें और इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा सा एक नींबू साइज़ का इसमें लड्डू लें, या जो भी साइज़ आपको रिक्वायर्ड हो, जो शेप आपकी पसंद की हो, उस साइज़ के आप कटलेट बनाते चले जाएं। तो मैं इन्हें गोल टिक्की की शेप दे रही हूँ। आप चाहे तो लीफ शेप दे, आप चाहे तो स्क्वायर शेप दे, या आप चाहे तो बेलनाकार बना ले, जैसे आपको शेप पसंद हो। कटलेट की सबकी अपनी अपनी च्वाइस होती है। इस तरह से इन्हें सेकने में थोड़ा सा आसानी रहेगी। एक तरह चारों तरफ से इसका जो मोटाई है एक जैसा रहेगा, तो इसलिए मैंने सभी पूरे डो की इसी तरह की शेप बना के ये सारे कटलेट रेडी कर लिए हैं। इधर मैं यहाँ पर एक डिप तैयार कर रही हूँ जिसमें कि इसको मैं अच्छे से डुबोऊंगी। तो यहाँ पर मैंने मैदा लिया है, उसमें थोड़ा सा नमक और पानी मिलाकर एक गाढ़ा सा लिक्विड तैयार कर रही हूँ, जिसमें कि अब मैं ये जितना भी मैंने कटलेट बनाए हैं उन्हें अच्छे से इसमें डुबो कर निकालूंगी। और साथ में मैंने यहाँ पर पोहे का ये चूरा कर लिया है मिक्सी में चलाकर। अब आप देखेंगे ये कटलेट इसमें मैं इस तरह से चम्मच की हेल्प से इनको घुमाते जा रही हूँ और ये लिक्विड में डूबने के बाद अच्छे से इनको डाल देना है हमें, जो हमने यहाँ पर पोहे का चूरा रेडी किया था उसमें। उसमें डालने के बाद सूखे हाथ से आप इसको पलटेंगे। ये बात ध्यान रहे कि गीले हाथ से इन्हें ना पलटें, नहीं तो आपका जो चूरा पाउडर है ये बिल्कुल गीला हो जाएगा और इसका क्रिस्पन यहीं ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने कई सारे कटलेट रेडी कर लिए हैं। जब कटलेट को मैंने मैदा के घोल में डिप करना शुरू किया था, तभी मैं तंदूर को प्रीहीट होने के लिए रख चुकी थी, जो कि अब हमारा प्रीहीट हो चुका है। मैजिक क्लॉथ के साथ ही यहाँ पर मैं रख रही हूँ ये कटलेट जो कि मैंने अभी रेडी किए हैं। प्रीहीटेड तंदूर है तो आराम से हमारे ये सिकने शुरू हो जाएंगे। इनको डालने के बाद हमें इसको एक मिनट के लिए इसमें, पहले तो मैं ऐसे ही हीट होने के लिए रख रही हूँ और थोड़ी देर बाद मैं इसमें ऑयल डालूंगी। तो एक मिनट हीट होने के बाद थोड़ा सा ये हल्का सा गर्म हो जाएंगे और ऑयल इसमें थोड़ा अच्छे से अंदर तक एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो वो जनरली ऊपर ही रह जाता है। तो यहाँ पर हमने बस एक चम्मच आप देखेंगे ऑयल, और मैंने उसमें तीन कटलेट पर ही डाल दिया है, एक चम्मच से भी कम ऑयल लिया है। तो टोटल एक चम्मच ऑयल में हमारे चारों कटलेट की एक साइड की ग्रीसिंग हो चुकी है। इसी तरह से मैं दूसरी साइड की ग्रीसिंग के लिए इसके चारों तरफ ऑयल डालती जा रही हूँ। बिल्कुल पतली सी हमें लेयर नीचे की तरफ डालनी है ताकि एक्स्ट्रा ऑयल हमारा इधर उधर बहे भी नहीं, और साथ में बहुत कम ऑयल में हमारे सिकने वाले हैं जो कि आप आज देख ही रहे हैं। चार पाँच मिनट बाद ही मैं इसे निकाल कर देखूंगी, और चार पाँच मिनट हो चुके हैं, अब इन्हें पलट कर देखते हैं। तो नीचे आप देखेंगे, देखिए नीचे कितना सुंदर कलर आ चुका है, ये सिकने शुरू हो चुके हैं। जो ऑयल मैंने नीचे इसके चारों तरफ डाला था उससे ये अच्छे से सिकने शुरू हो गए हैं। अब हमें एक्स्ट्रा ऑयल की कोई ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप चाहते हैं इसको थोड़ा सा और ज़्यादा ऑयल लगाना तो लगा सकते हैं। बट यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत ही कम तेल में हमारे कटलेट बिल्कुल बनकर तैयार होने वाले हैं। दोबारा मैंने इन्हें सिकने के लिए डाल दिया है चार पाँच मिनट के लिए, और चार पाँच मिनट बाद अब आप फिर देखते हैं पलट कर, तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल सिक चुके हैं हमारे। आप चाहें तो इन्हें दो तीन मिनट के लिए तंदूर में बंद हीट पर भी सिकने के लिए डाल सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पुराने वीडियोस में भी दिखाया है। इसकी प्लेटिंग के लिए ली है मैंने इमली और टमाटर की चटनी, और साथ में मैं एकदम गर्मा गर्म ये रख रही हूँ हमारे कटलेट जो कि मैंने अभी अभी बनाए हैं। कितनी सारी वेजिटेबल्स इसमें डाली हैं, और डेफिनेटली मुझे यकीन होगा ये वो वेजिटेबल्स होंगी जो घर में किसी बच्चे को पसंद नहीं होंगी। साथ में ये बॉयल की हुई बटर है, उनको हल्का सा फ्राई मैंने कर लिया था। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल आपको पूरा मज़ा आने वाला है इन कटलेट को खाने का। और साथ में रखे ये धनिया पत्ते, फ्रेश धनिया पत्ता होगा, इसे भी साथ में इंजॉय कीजिए। आपके कटलेट का टेस्ट मैं बताने वाली हूँ बिल्कुल डबल हो जाएगा साथ में ये जरा सा मटर का सैलेड और इन धनिया पत्तों से। दोस्तों, अभी तक मैं बहुत सारी रेसिपीज तंदूर में बना चुकी हूँ, आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें कि बहुत सी रेसिपीज़ तो मैंने बिल्कुल नए तरीके से ट्राई की है।
मेरा ये एक्सपीरियंस, ये एक्सपेरिमेंट आपको कैसा लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। उसके साथ ही अगर आप लोगों की कोई और रिक्वेस्ट है जो कि आप देखना चाहते हैं तंदूर में बनते हुए, बट ये याद रखिएगा वो वेजिटेरियन डिश होनी चाहिए, वो भी आप लिख भेजिएगा कमेंट बॉक्स में। और इसके साथ ही मिलते हैं मेरे आने वाले किसी अगले वीडियो में। ओके बाय दोस्तों।